वेलकम टू कुकिंग शुकिंग विद प्रिया। आज हम बनाएंगे सबकी फेवरेट रेसिपी पनीर पकोड़ा। नाम सुनते ही आ गया ना मुंह में पानी। आप जरूर एक बार इस रेसिपी को ट्राई कीजिए। जब भी आप अपने गेस्ट को ये रेसिपी खिलाएंगे, जरूर मैं दावे के साथ कह सकती हूँ वो ये रेसिपी आपसे जरूर पूछेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए हमारा वीडियो शुरू करते हैं। 2 कप हमने लिया है बेसन। अब इसमें हम डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया 1/2 कप, 2 बारीक कटे हुए हम डालेंगे हरी मिर्च, 1 और 1/2 टीस्पून हम डालेंगे इसमें नमक, 1/2 टीस्पून हम इसमें डालेंगे गरम मसाला, 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे अजवाइन, 1 टीस्पून हम डालेंगे इसमें हरी सौंफ, 1 और 1/2 चम्मच हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। सभी को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। पानी के साथ हमें इसका बैटर तैयार करना है। अच्छी तरह से हमें इसको मिक्स करना है, बिल्कुल भी इसमें लम्स नहीं रहने चाहिए। इसको फेंटना बहुत जरूरी है। अच्छी तरह से इसको हमें मिक्स करना है। इस तरह का हमें बैटर रेडी करना है। आप देख सकते हैं 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए हम इसको रख देते हैं। तब तक हम ग्रीन चटनी तैयार करेंगे। हरे धनिए की चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है मिक्सी का जार। अब इसमें हम डालेंगे हरा धनिया, बिल्कुल साफ धुला हुआ धनिया हमें लेना है। 2 से 3 मैंने यहाँ पर लिए हरी मिर्च, इसको भी हमें धोकर कट करके मिक्सी के जार में हमें इसमें डालना है। अब इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून हम इसमें डालेंगे काला नमक, 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे अमचूर पाउडर। अमचूर पाउडर डालने से चटनी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। बहुत ही अच्छी और चटपटी चटनी हमारी बनकर तैयार होती है। अब हम ऐड करेंगे हमारी एक खास चीज, वो डालेंगे तो चटनी जो है हमारी बहुत ही अच्छी बनेगी, बिल्कुल भी जो है इसमें पानी नहीं छूटेगा। 1 टीस्पून मैं इसमें डालूंगी कोकोनट का बूरा यानी खोपरे का बूरा। आप चाहे तो मूंगफली या काजू भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा ऐड करेंगे हम इसमें पानी। अच्छी तरह से हमें चटनी को पीसना है, बिल्कुल बारीक नहीं, हमने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। तो चलिए खोल के देख लेते हैं। बहुत ही अच्छी चटनी हमारी बनकर तैयार हुई, आप देख सकते हैं। अब इसको मैं एक बाउल में निकाल लेती हूँ। बहुत ही अच्छी चटनी बनी है, आप देख सकते हैं, बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं छूटा। कितनी गाढ़ी और अच्छी चटनी हमारी बनकर तैयार हुई है। ये चटनी हमारी 3 से 4 दिन तक खराब नहीं होगी। आप फ्रिज में इसको एयरटाइट कंटेनर में ढक कर रख दें। अब मैंने यहाँ पर लिया है पनीर, तो ये मेरा 300 ग्राम पनीर है। इसको अब हम बीच से कट कर लेते हैं। और इस तरह इसकी लंबी लंबी हम स्लाइस करेंगे। इस तरह देख के मैंने सभी की स्लाइस कर ली है। पकोड़े बनने को तैयार है। तो एक चीज हमें इसमें और मिलानी है, हमारी खास चीज। वो यदि हम मिलाएंगे तो हमारे जो पकोड़े हैं बहुत यदि कुरकुरे क्रिस्पी और टेस्टी बनेंगे। तो वो हम मिलाएंगे बेकिंग पाउडर। 1/4 टीस्पून हमें इसमें ऐड करना है बेकिंग पाउडर। ज्यादा नहीं डालना है हमें, कम ही डालना है। सभी को अच्छे से हम कर लेते हैं मिक्स और बैटर हमारा तैयार है पकोड़े बनने के लिए। गैस से मैंने पैन में तेल रख दिया है, तेल अच्छा गर्म हो गया है। तो चलिए अब हम पकोड़े फ्राई कर लेते हैं। एक एक करके हमें इसमें डालना है। तो इस तरह हम इसको फ्राई करेंगे। जितने आएंगे उतने ही हमें डालने हैं। एक बार इन्हें हम मिक्स कर लेते हैं, अच्छे से पलट देंगे इन्हें हम। मीडियम फ्लेम पे हमें इसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। पकोड़े फ्राई होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, 2 से 3 मिनट का टाइम ही हमें लगता है। पकोड़े हमारे फ्राई हो चुके हैं, गोल्डन ब्राउन कलर के हो गए हैं। तो चलिए एक एक करके हम इन्हें निकाल लेते हैं। इस तरह हमें सभी पकोड़ों को फ्राई करना है। पकोड़ों को मैंने प्लेट में निकाल लिया है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे पकोड़े हमारे बनकर तैयार हुए हैं। बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी पकोड़े हमारे बने हैं। टोमेटो केचप और हरे धनिया की चटनी के साथ सर्व करेंगे। थोड़ा सा हम इसमें बुरका देंगे चाट मसाला, इससे टेस्ट जो है कई गुना बढ़ जाएगा। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी जरूर पसंद आई होगी। आई है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना न भूलें। मेरे और भी वीडियोस देखने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप उन्हें देख सकते हैं। यदि आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर पर फॉलो करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पर दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपका दिन शुभ रहे।